देखिए बात कुछ ऐसी है ना, जैसे संसार में भी हम लोग देखते हैं कि एक बाप है, अगर उसने पूरे जीवन मेहनत करके धन कमाया है, नाम कमाया है, और उसके कई बच्चे हों, तो देखता है कि सब बच्चों में कौन सा बच्चा कितना लायक है। ये सिद्धांत है कि पूत सुपूत तो का धन संचय, पूत कुपूत तो का धन संचय। यानी अगर तुमने धन बचाया है, अगर वो सुपूत है तो फिर कमा लेगा, उसके लिए धन छोड़ने की क्या आवश्यकता, और कुपूत है तो उसके लिए छोड़ भी गए तो वो सब खर्च कर देगा यहाँ वहाँ, तो कोई मतलब नहीं। इसी तरह से भगवान भी, जैसा बताया, भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति है। वो उद्धार करना तो चाहते हैं कि सभी का उद्धार कर दे, लेकिन कौन भक्ति पाने का अधिकारी है ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि उनकी शर्त है कि भक्ति उसी को देते हैं जिसको भक्ति के अलावा किसी चीज से संतुष्टि ना मिले। अब अगर कोई ऐसा जीव है जो भक्ति पाने की इतनी व्याकुलता नहीं रखता, भगवान की सेवा का महत्व तो नहीं समझता, हर जीव अपनी अलग अलग बुद्धि के अनुसार सेवा का महत्व तो समझता है, तो जो सेवा का महत्व तो अधिक मानेगा और ये सोचेगा कि हमारा लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, तभी तो मैंने कहा कि अपने सुख का ध्यान नहीं देना। अगर हम अपने सुख का ध्यान देंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी भावना रहेगी कि यार भक्ति नहीं मिलती, चलो मुक्ति ही मिल जाए, या चलो संसारी संपत्ति मिल जाए, भक्ति तो भगवान जाने कब मिलेगी, जरा संसार में प्रयत्न किया जाए। कुछ दिन सत्संग किया, फिर लगा सत्संग कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, भगवान के प्रति कोई भावना तो बन नहीं रही, अहंकार बढ़ता जा रहा है, दीनता नम्रता कुछ आ नहीं रही, तो चलो यहाँ वहाँ चले जाते। ये अक्सर हमारे भीतर की चित्तवृत्ति बदलती रहती है, क्योंकि हम संसारी जीव हैं तो हमारे दिमाग में संसारी विकार आते रहते हैं। जब कभी हम साधना करते हैं तो साधना पथ में कितनी बार निराशा आती है। ये संसार एक नशे की तरह है, जैसे लोग संसार में नशा करते हैं ना, तो जब तक नशा करते हैं तब तक उनको कुछ गड़बड़ नहीं लगता, तब तक लगता है बहुत मज़ा मिल रहा है, लेकिन जब वो नशा छोड़ते हैं तब उनको बहुत कष्ट होता है। उसी तरह से इस माया का, इस संसार का भी एक नशा है, जब तक इस नशे का लोग भोग करते हैं तब तक उनको लगता है सब कुछ ठीक है, कभी दुख मिला कभी सुख मिला चलो ठीक है, लेकिन जब सत्संग करते हैं और संसार को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, जहाँ जहाँ अपनी इंद्रियों को ले जाने का प्रयास किया है वहाँ से उनको खींचने का प्रयत्न करते हैं, तब कष्ट मिलता है। तो उस कष्ट से आदमी बचता है, सोचता है कि रहने दो, अब भक्ति नहीं करें, तो जब तक वो भूख भगवान को पाने की या भक्ति पाने की नहीं हो जाती तब तक भगवान नहीं देते, उसके लिए बहुत परीक्षाएं लेते हैं। तो परीक्षा देने में डरना भी नहीं है, हमको इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि चाहे भगवान कितना परीक्षा ले, अनंत जन्म तक परीक्षा ले, हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस खुशी मिलती है उनकी सेवा करने में। ये भाव हमको भीतर से बनाना है, और कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी है। तो मैंने बताया, वैसे तो प्रत्येक जीव स्वार्थी है, लेकिन ऐसा समझ लेना है कि हमारा स्वार्थ उनके सुख में है। जब ये भावना होगी तब भक्ति मिलेगी, इसलिए आसानी से भक्ति देते नहीं, लेकिन क्योंकि अकारण करुण है और चाहते हैं कि जीवों का उद्धार हो जाए, इसलिए प्रतिक्षण ये सोचते हैं कि किसी भी प्रकार इस जीव के मन में ये भावना हो कि वो ही मेरे हैं, और जब ये भावना हो जाएगी तब अपने आप भगवान अपनी सारी संपत्ति हमको दे देंगे। जैसे जब बाप जान जाता है कि बेटा लायक हो गया है, तो अपने आप बाप की संपत्ति बेटे को मिल जाती है, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से जब हम लायक हो जाएंगे, श्रेष्ठ भक्त हो जाएंगे, तो भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सीधा सा सिद्धांत है। तो इस कारण से केवल भगवान को पाने की इच्छा बढ़ाएं, भगवान के दर्शन की इच्छा बढ़ाएं, सेवा की इच्छा बढ़ाएं, और बाकी कुछ ना सोचें। आशा करता हूँ कुछ संतोष हुआ। राधे राधे।